सब प्रतीत हो रहा है कि प्रोग्राम में सबको मजा आ रहा है, आ रहा है ना? ये क्या है ना, ये जितने भी परफॉर्मेंस हुए हैं ना, सारे में ऑडिशन दिया था मैं, उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन आप ना इनकी बातों पे नहीं जाइए। पता है जब मुझे इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया ना, तो मैं दीवार पे ऐसा गुस्से में पैर मार रहा था। ये बॉय डांस वाला आके बोलता है कि मेरे साथ आ जाओ, तुमको सड़क से उठा के स्टार बना देंगे। हम भी चले गए बॉय डांस में। पता चला इनको फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है, पीछे कैसे पुतले जैसा खड़ा रहने का लिए उसके लिए बुलाया था। लेकिन ना ये लोग ना, इनको टैलेंट की पहचान नहीं है। आप ना इनकी बातों पर ध्यान में दीजिएगा। मैं ना बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार आदमी हूँ, बहुत ही ज़्यादा, पता है ना? हाँ, ये सारे जो दोस्त होते हैं ना, जलते हैं मुझसे ये सब। तो मैं इतना ज़्यादा जिम्मेदार हूँ ना कि मेरे घर में अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है ना, तो उसका जिम्मेदार मैं ही पाया जाता हूँ। मेरी इन्हीं आदतों से कि मैं जिम्मेदारियां ले लेता हूँ, परेशान होके मुझे हॉस्टल भेज दिया गया, जाओ तुम उधर ही रहो। तो मेरा जो रूममेट था वो भी मेरे तरह जिम्मेदार था, मेरे तरह ही पराक्रमी, मेरे जैसा ही शूरवीर। हम दोनों नीचे से टॉप करते थे, लेकिन कभी कमेंट नहीं किया इस बात पर। हम दोनों इतने बड़े वाले थे, हाँ सही समझा, हम दोनों इतने बड़े वाले थे कि हम दोनों की आंखें खुली हैं, लेकिन बिस्तर से कोई नीचे उतर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो नीचे पहले उतरेगा उसको जाके वाटर कूलर से पीने के लिए पानी लाना पड़ेगा। तो हम वेट करते थे कि कौन आएगा हमें क्लास से जगाने के लिए। तो जो हमें क्लास बुलाने के लिए आता था, हम उसी से पानी मंगवा लेते थे। एक बार यूँ हुआ कि एग्जाम से ठीक पहले एक दो दिन का गैप होता ही है, तो हमने सोचा क्रिकेट खेल लेते हैं। तो उस दिन हमारा टॉपर था, उसने बोला मुझे भी खेलना है। तो उसने आखिरी दिन के लिए जितना सिलेबस छोड़ रखा था, हमने पूरे सेमेस्टर में उतना ही पढ़ रखा था, लेकिन कॉन्फिडेंस हमारा बराबर ही था। हम लोग क्रिकेट खेलने गए, हमने टॉपर से पूरे 20 ओवर फील्डिंग कराई, उसको बॉलिंग बिल्कुल नहीं दी। फिर बैटिंग आई, उसको बैटिंग नहीं दी, पूरे 20 ओवर अंपायरिंग कराई। उसने उसका बदला हमसे तुरंत ही ले लिया। अगले दिन एग्जाम है, उसने हमें नोट्स देने से मना कर दिया। लेकिन हमने भी हिम्मत नहीं हारी, हमारा खून भी फैजल खान के जैसा खौल उठा। बोले आप कुछ करके दिखाएंगे इस सेमेस्टर में तो फोड़ देंगे। तो फिर हमने किसी से पूछा कि अभी कैसे हमारी नैया पार लगी हुई। तो उन्होंने बोला कि कोरा, कोरा एक जैसी जगह है जहाँ पे सारी समस्याओं का समाधान है। बोले कैसे कैसे? बोले कि जो पुराना खोया प्यार है वापस कैसे पाए, ट्रेजर फैंटेसी में सस्ता फ्रॉड कैसे पाए, सब कुछ कोरा से बुला है, सारी समस्याओं का हल है। तो हम लोग भी गए फटाक से, हमने पढ़ रखा था उसके दिन पहले की कीवर्ड वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप जो सर्च बार में कीवर्ड डालते हैं वो अगर अच्छा है तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। तो मैंने और मेरे रूम पार्टनर ने, जिसका कि नाम सतीश था, हमने उसका नाम सत्तू सत्तू रखा था। तो मैंने और सत्तू ने काफ़ी टाइम स्पेंड करके डिसाइड किया कि हमें उसमें सर्च करना है हाउ टू अचीव मैक्सिमम वर्क्स विथ मिनिमम एफर्ट्स। तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तीन, पहला रिड्यूस दी स्ट्रेस लेवल, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि एग्जाम तो अभी कल है ना, अभी तो आज की रात बाकी है। दूसरा फोकस, फोकस बढ़ाना है। और तीसरा कि हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, तभी साउंड माइंड उसमें रहेगा। ठीक, वो कोई नोट कर, अरे भाई नोट मत करो, सुन लो हमारा हाल क्या होगा, इसके बाद नोट करना, क्या पता आपको पछताना पड़ जाए। तो शाम के 5 बज चुके थे, अगले दिन एग्जाम था, तो अभी अपने पास काफी टाइम था। तो स्ट्रेस दूर करने के लिए पहले मैंने और सत्तू ने 1 घंटा टीटी खेला, और अब 6 बज चुके हैं तो हम कैंटीन में गए, चाय वाय पी, दोस्त आ गए तो बातें करना तो ज़रूरी है, 1 घंटा उनसे बात किया। 7 बज चुके हैं, अब हमारा स्ट्रेस लेवल नीचे आ चुका है, लेकिन फोकस, फोकस नहीं है हमारे पास। तो फोकस बढ़ाने के लिए फिर हमने 1 घंटे कैरम लिया। अब 8 बज चुके हैं, हमारा स्ट्रेस नीचे आ चुका है, हमारा फोकस बढ़िया हो चुका है, लेकिन बॉडी, बॉडी का क्या,
बॉडी को तो फिट रखना है। तो फिर हमने 8 से 9 बैडमिंटन खेला। अब 9 बज चुके हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल नीचे आ चुका है, हमारा फोकस एकदम बढ़िया है और हमारी बॉडी भी थोड़ी फिट है और माइंड का तो एग्जाम के बाद पता चल जाएगा कितना सॉफ्ट था हमारा। फिर हमने खाना खाने के लिए मेस में प्रवेश किया, वही पुराना आलू वाली सब्जी और डूब कर मर जाने जितने पानी वाली दाल, वो हम खाए। खाने के बाद हम आए वापस और हमने किताब खोली। अभी किताब खोली थी कि तब भी याद आया कि मम्मी ने कितनी बार बोला है कि बेटा खाने के बाद टहल लिया करो, खाने के बाद टहल लिया करो नहीं तो पेट निकल जाएगा पप्पू में जितना। तो फिर हम 10 से 11 टहलने गए। 10 से 11 टहलने के बाद हम आए वापस। अब हमने किताब खोली थी कि सत्या का फोन बज गया, जिसको हम लोग सत्तू बोलते हैं, सत्तू का फोन बज गया। सत्तू के फोन में जो नंबर सेव था वो सेव था दूध वाला। ये वो टाइम था जब बॉयज हॉस्टल में लड़के अपने बापू का नाम दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला ये सब रखते थे दोस्तों के घर से। इसमें कई मैसेज में रखे हैं इसीलिए रिलेट कर पा रहे हैं। फिर सत्या ने फोन उठाया और बात करते हुए निकला, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि वो बुतलाते हुए क्यों बोल रहा था कि हाँ मैंने थाना था लिया है। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो कोरा का कौन सा आर्टिकल था जो मुझसे छूट गया कि 11 से 12 सिलेबस में ये भी था कि तुतला के बाद भी करना है। लेकिन अपने एकदम सिग्मा में अपन ऐसे शक्ति में रहते हैं, पिघलते नहीं हैं। तो हमने लगाया कान में हनुमान जी का भजन और भजन सुना और चद्दर डाल के सो गए। सुबह नींद खुली 8:45, एग्जाम हमारा 9 बजे से, तो इतने टाइम में सिर्फ नाश्ता हो सकता है। तो मैं से पहुँच गया नाश्ता करने, जैसे ही पहला डेला डाला तो याद आया कि ब्रश तो किया नहीं। लेकिन हम साफ सफाई के बहुत ही पाबंद थे, वो बताना मैं भूल गया आपको। हमें साफ सफाई इतनी पसंद थी, इतनी पसंद थी कि हम वीकली बिना भूले हर संडे को नहा लेते और बिल्कुल हाइजीन और ये सब का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था। तो हम एक बेडशीट को 2 महीने बाद तुरंत ही बदल देते थे। अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एक बेडशीट 2 महीने कैसे चलती है, तो हम 1 महीना उसको सीधा यूज करते थे, जब गंदा हो जाता था 1 महीने बाद पलट देते थे। तो हमने जल्दी जल्दी से नाश्ता किया, ब्रश किया नहीं क्योंकि संडे नहीं था तो नाना सिलेबस में था ही नहीं। तो हम पहुंच गए एग्जाम में और एग्जाम में पहुंचे तो पता चला हमारे पास पेन नहीं है, क्योंकि पेन तो हमने लास्ट सेमेस्टर में खरीदा था ना, इस सेमेस्टर में तो सबसे उधार लिया था और जिससे भी उधार लिया था कभी उसको वापस नहीं किया। तो एग्जाम में सारे लोगों ने हमें पेन देने से मना कर दिया। फिर हमें याद आया कि हम पेन लेकर लौटाते नहीं हैं, ये स्टूडेंट्स को तो पता है लेकिन एग्जामिनर को तो नहीं पता है ना। तो हमने उन्हीं से पेन मांगा। अब हम बैठे हैं जस्ट लाइक आइंस्टीन, पेपर मिलते ही बन गए मिस्टर बीन। जैसे तैसे पास हुए और पास होने के बाद हमने खूब पढ़ाई।